नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जीतू और आप देख रहे हो जीतू टैक YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं जो है वीडियो एडिटिंग कैसे करता हूँ, मेरी जो सिंपल सी वीडियो एडिटिंग है वो किस टाइप से होती है और कौन से एप्लीकेशन से होती है। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन तो हमारा एक ही है, वो है काइनमास्ट से जो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। लेकिन किस टाइप से करता हूँ, मेरी एडिटिंग किस टाइप से होती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना है कि मैं वीडियो एडिट कैसे करता हूँ या फिर आप भी जो वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप जो काइनवेस्ट से वीडियो एडिट कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो काइनवेस्ट एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर काइनवेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आता है और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पास जो अभी काइनवेस्ट का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिए 4.15। ओके, ये अभी काइनवेस्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हमारा जो काइनवेस्ट है वो ओपन हो जाता है जब भी हम वीडियो एडिट करने के लिए होते हैं और जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास जो इसके अंदर रहते हैं। लेकिन मैंने अभी फिलहाल जो सारे प्रोजेक्ट वो डिलीट कर दिए हैं और जब भी हम नया काइनवेस्ट डाउनलोड करते हैं कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आता है जबकि हमारे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो है सात जो है अभी रशिया जो है आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे, कोई इंस्टाग्राम के लिए, कोई IGTV के लिए और कुछ यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग टाइप के आपको मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये वाला लेना है सिर्फ YouTube के लिए। ठीक है, सोलानो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि YouTube के लिए यही हमारा बेस्ट है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा जो मीडिया है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है वो कैसे करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एक स्क्रीन की रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूँ। ठीक है, इसको तो एक बार कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी रिकॉर्डिंग जो इसकी जो एडिटिंग है वो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इसके, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर जूम इन करूँगा। ठीक है, ये देखिए इसको बराबर किया और उसके बाद जो है, ठीक है, एक मिनट इसको यहाँ पर कट कर लेंगे हम, हमें जूम इन करने की कोई, बस मैं यहाँ पर आपको एक मिनट का वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो टोटली मैंने जो एक मिनट का वीडियो यहाँ पर ले लिया और इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को और ओके कर देता हूँ और इसकी जो वॉइस है वो यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा मैंने जो वीडियो है वो यहाँ पर ले लिया स्क्रीन रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी वीडियो को यहाँ पर फिर से डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये वीडियो हमारा जो लेयर में भी आ जाएगा। अब क्या करना है, वापस इसी वीडियो पर क्लिक करना है जो कि हमने पीछे लगाया था बैकग्राउंड पर, उस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आपको ये बराबर करके आपको दोनों उंगली से इसको जूम इन कर लेना है। ठीक है, जब भी आप जूम इन करोगे ये देखिए पीछे आपका बैकग्राउंड आ जाएगा और उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये रहे जो हमारा इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मोबाइल का फ्रेम लगाना है। तो फ्रेम लगाने के लिए लेयर पर जाते हैं और यहाँ पर मीडिया में जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो PNG फाइल है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, फ़ोटोज़ की मैं खुद यहाँ पर रखता हूँ जो हमारे PNG फ़ोटोज़ होते हैं या फिर लोगो वगैरह, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे लगा देना। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा हमारा जो है फ्रेम है वो मोबाइल के सेट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर जो है इसको जो है बड़ा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको जूम आउट कर लेते हैं और इसको फुल कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा जो काम है वो हो गया और इसको थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पर आगे तक कर लेंगे ताकि हमारा जो फ्रेम है वो आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पर फिर से लेयर में जाना है। ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो एडिट करता हूँ वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पर ये जो ब्लर वाला ये ले लेंगे और इसको भी सबसे पहले पूरा कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर इसको, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको बड़ा थोड़ा कर दिया है, एक मिनट वापस इसको ओपन कर लेते हैं काइन मास्टर को, ठीक है। और इसको यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जो इसको बड़ा कर दिया, अब आप क्या करना है, बस सेटिंग पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ब्लर कर देना है, ठीक है, और इसको कर देना है सेंड टू बैक। ये देखिए, सेंड टू बैक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका फ्रेम भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम इन करके, पूरा आया हुआ है फ्रेम। तो अब बात करते हैं यहाँ पर लोगों की, तो मैं लोगों कैसे लगाता हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लोगो वाला फोल्डर कहाँ पे है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा ग्रीन स्किन का लोगो है, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का लोगो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। वो मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नहीं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अब आप क्या करना है, इस लोगो पे क्लिक करके यहाँ पर जो आपको क्रोमा की का ऑप्शन आता है ना, इसके अंदर आपको इसको ऑन कर देना है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। उसके बाद इस लोगो को आपको करना है यहाँ से राइट कर देना है, और इस लोगो को थोड़ा छोटा कर देना है, ठीक है, ये देखिए इस लोगो को यहाँ पर आपको लगा देना है। तो अब मैं वीडियो प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारा जो वीडियो वो बन चुका है, और स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो मैं ज़्यादा जो है एडिट करता हूँ या फिर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। अभी आप देख रहे हो, ये भी स्क्रीन जो रिकॉर्ड की वीडियो है, ठीक है। एक चीज़ में और मैं आपको बताना भूल गया था, मैं यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम का PNG भी लगाता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैं कहाँ से लेता हूँ। वो भी मेरा एक फ़ोटो यहाँ पर सेव है, ये देखिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट किया और यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फिर से, एक मिनट, इसको मैंने छोटा किया फिर से, और इसको यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए कुछ इस टाइप से हमारे जो है वीडियो के अंदर लगे होते हैं। और उसके बाद सीधा यहाँ पर हमें बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कौन सी क्वालिटी के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1080 रखता हूँ, और इसको 10 के समथिंग, ठीक है, 10 Mbps। उसके बाद बस आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, अब आपका वीडियो जो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा वीडियो हमारा लंबा बन गया था, बट आपको अच्छा लगा होगा कि मेरी एडिटिंग देख के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो बस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।